हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इज लाइफ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों कि जैसा कि मेरा कंप्यूटर का जो फ्री स्पेस है, ये जो आप देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर का जो कंप्यूटर ओएस जो फाइल है, ठीक है, ये जो ओएस है, सी फोल्डर जो है मेरा, ये सी फोल्डर दोस्तों मुझे बहुत दिन से, लास्ट का 3-4 दिन से मुझे दिखा रहा था कि 9 GB स्पेस फ्री। तो क्या होता है दोस्तों, सिंपल सा दोस्तों, कोई भी आपका सिस्टम में जितना फोल्डर्स रहेगा, ठीक है, जितना डिस्क रहेगा, वो डिस्क में अगर 9 GB मतलब 10 GB से कम अगर स्पेस हो जाएगा तो यहाँ पे रेड कलर का सिग्नल दिखाएगा, ठीक है। बट मुझे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम में इतना कुछ भी नहीं है जिसमें देखते आप देख सकते हैं कि इतना स्पेस भर जाए, क्योंकि मेरा जो ओएस का जो डिस्क है ये है 97 GB का, 100 GB का स्पेस है। उसमें हो सकता है दोस्तों कि 47-40 GB तक इसमें यूज़ हुआ हो, क्योंकि इसमें ओएस फाइल रहता है, ठीक है, और दूसरा जो है ये जो डेस्कटॉप में रहता है ये फाइल्स एंड कुछ जो डाउनलोड्स रहता है वो फाइल्स रहता है। देखिए डाउनलोड्स में भी मुझे उतना फाइल्स नहीं है कि डाउनलोड्स में मुझे कुछ वीडियो भी ज़्यादा नहीं है कि मुझे जो है इसका जगह इतना कम हो जाए। डॉक्यूमेंट्स रहता है, डॉक्यूमेंट्स में भी इतना कुछ फाइल्स नहीं है जिसकी वजह से मेरा सिस्टम का फाइल्स जो है इतना कम हो जाए। बट दोस्तों मैं एक बात ख्याल कर रहा था, इससे पहले मैं देख रहा था दोस्तों कि लास्ट का थोड़े दिन से मेरा जो ये ओएस का फाइल जो है 9 GB से कम हो रहा है, ठीक है। मैं कुछ भी फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, कुछ भी मीन्स यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो के लिए, तो 10 GB से कम हो रहा है। दोस्तों आज का ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लिया है, तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो, लास्ट तक आप देखते रहिए कैसे किया था मैं इसको। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस है एंड बहुत सारे वीडियोस आने वाला है जो आपको बहुत ही काम में देने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों टेक्निकल वीडियोस है एंड स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियोस है एंड दूसरा ट्यूटोरियल वीडियोस है। कोई भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों उसमें मैं प्रूफ के साथ वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो सॉरी मैं आज प्रूफ के साथ वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आप ये प्रॉब्लम मतलब ये जो सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं। बट मुझे भूल हुआ था दोस्तों, मैं कुछ भी काम, हम लोग जो टेकी सेवर है, जो टेक को प्यार करता है, टेक्नोलॉजी को प्यार करता है, उन लोगों को चाहिए दोस्तों एकदम कोई भी काम करने से पहले उसका जो सबूत रखे, ठीक है। अभी देखिए मेरे पास ये स्क्रीन रिकॉर्डर है, मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। तो वैसा ही सेम काम अगर मैं आज सुबह में कर लिया होता, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लिया होता, तो मैं आपको जो है प्रूफ के साथ दिखा पाता था। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो स्क्रीन, मैं जब बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 9 GB फ्री था, तो 100 GB में, 97 GB में 9 GB ऑनली फ्री था। तो मुझे दोस्तों यहाँ पे शौक हो रहा था कि मुझे इतना फाइल्स नहीं है कि 100 GB का मेरा ओएस फोल्डर में, ये जो सीडी, ये जो डिस्क है इसमें 100 GB का फाइल्स मुझे नहीं है। तो क्या कर सकते दोस्तों, मैं कुछ बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो है चेक किया, मीन्स यहाँ पे क्या किया था मैं दोस्तों, टेम्पोररी करके, तो जो टेम्पोररी फाइल्स रहता है उसको मैं डिलीट करने की कोशिश किया। तो टेम्पोररी फाइल्स में डिलीट करने में कितना आपको जो है 100 MB 50 MB तक उसको डिलीट होगा, ठीक है, उसके बाद से डिलीट नहीं होगा। तो उसके बाद से मैं देखा दोस्तों यहाँ पे 8 GB 9 GB तक अभी भी दोस्तों रेड कलर का दिखा रहा था, उसको मैं मतलब कुछ भी तरीके से इसको जो है मतलब जीबी का जो स्पेस है ये कम नहीं कर पा रहा था। तो मुझे शक हो रहा था दोस्तों कि हो सकता है कुछ सिस्टम में कुछ फाइल्स हो, कुछ फोल्डर्स हो जो है एक्सीडेंटली कुछ प्रॉब्लम के साथ कुछ कोरप्ट होकर आएगा, उसको जो है सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, उसको डिलीट नहीं कर पा रहा है। तो मैं सहारा लिया दोस्तों, मेरा जो क्विकिल है, मेरा जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसका सहारा लिया। सिस्टम जो सिस्टम का काम कर सकता है उसका काम बढ़ाने के लिए ये जो हमारा एंटीवायरस है ये बहुत ही काम देता है। ये मेरा क्विकिल टोटल सिक्योरिटी है, तो आप अगर चाहिए तो क्विकिल जो मामूली जो सिक्योरिटी है, नॉर्मल सिक्योरिटी है, वो भी लगा सकते हैं, मगर मेरा मैं प्रीफर करता हूँ क्विकिल टोटल सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है, पैन कंट्रोल, इंटरनेट नेटवर्क, इमेज, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है। तो इसको मैं रिन्यू करना दोस्तों आप देख सकते हैं। बट मैं जब कुछ भी करके इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था, उसको मैं चेक किया कि शायद कुछ पीसी ट्यूनर में प्रॉब्लम तो नहीं हो, ठीक है। तो मैं कोशिश किया पीसी ट्यूनर को ऑन करने में, पीसी ट्यूनर को एक बार रन करने में, इसको एक बार रन करने में कोशिश किया। तो पीसी ट्यूनर में क्या था दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो एरो लाइन है, ये जो मार्क है, ये अभी यहाँ पे है, बट इससे पहले दोस्तों ये पीसी ट्यूनर का जो एरो मार्क था ऐसा ही था। तो पीसी ट्यूनर का एरो मार्क दोस्तों यहाँ पे था, ऐसा था। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, मैं पीसी ट्यूनर ऑन किया, पीसी ट्यूनर ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, आज ही मैं इसको किया था, देख सकते हैं आप। तो इसका प्रूफ मैं दिखाने के लिए इतना ही बोल सकता हूँ कि दोस्तों मैं सुबह में आज इसको, मैं इसको डिस्क क्लीनअप, रजिस्टर क्लीनअप, ट्रेसेस क्लीनअप एंड डिफ्रैगमेंटर किया। तो ये जो पीसी क्लीनर है, ये पीसी ट्यूनर है, इसको मैं ऑन किया, रन किया, रन करने का दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेटस दिखा रहा है, यहाँ पे ये जो मार्क था, एरो मार्क, ये दोस्तों ऐसे ही था। मीन्स मुझे तभी एक सॉल्व हो गया था कि ये जो है मुझे पीसी ट्यून अप कर लेना चाहिए,
क्योंकि दोस्तों क्विकी की तरफ से एक अच्छा फैसिलिटीज है, आपका सिस्टम में जो जो भी फाइल्स फॉर फोल्डर्स हो, जो सिस्टम डायग्नोसिस नहीं कर पा रहा है, जो सिस्टम जो है उसको देख नहीं पा रहा है, तो उसको जो है ये पीसी ट्यूनर के साथ हम उसको डिलीट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे रजिस्ट्री भर जाता है, हम यहाँ पे कैसा कर सकते हैं, विंडोज आर में जाके बहुत सारे काम करता है। यहाँ पे देखिए ओनली खाली जो टेम्प है अभी यही है, दूसरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मगर इससे पहले मेरा सिस्टम में बहुत कुछ था, ठीक है। और बात क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो मेन मेनू है, यहाँ पे आप काम करते करते जो भी काम करते रहेंगे उसका जो है यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स करेंगे तो जो आ रहा है वो, मतलब सिंपल सर यहाँ पे कुछ भी काम करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे आपको दिखाया जाता। ये पीसी ट्यूनर में क्या होता है दोस्तों, ये यहाँ पे टोटली यहाँ पे क्या होता है, और टोटली यहाँ पे सब दिखा देता, ठीक है। तो पीसी ट्यूनर क्या करता है, ये जो टेम्पररी फाइल्स है अपने तरह से सब कुछ डिलीट कर देता है, जो भी कोरप्टेड फाइल्स हो, जो भी ना यूज़ हुआ फाइल्स हो, जो भी सिस्टम को नहीं चाहिए रहता है वो डिलीट कर देता है। यहाँ से पूरा डिलीट करके तो कंप्यूटर का आपको फ्रेश एंड नीट क्लीन में हालत में आपको देता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रैगमेंट ऑन है दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं नेवर किया, कभी भी इसको परफॉर्म नहीं किया, तो इसको जो है एक रेड कलर बटन है, इसको मैं नेक्स्ट टाइम बूट अप करूंगा तो इसको जो है ग्रीन कलर हो जाएगा। तो मैं डिस्क क्लीन अप क्लीन किया, क्लीन करने के बाद दोस्तों डिस्क क्लीन अप हुआ, रजिस्ट्री क्लीन अप हुआ, ट्रेसेस क्लीन अप हुआ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे देखा था कि डिस्क क्लीन अप में 2GB फाइल्स खाली है, पर मुझे तभी भी उसको शौक था दोस्तों 2GB फाइल्स अगर खाली रहेगा तो मुझे तो चाहिए कि 40 या 50 GB तक मेरा यूज़ हो चुका है, एक्वायर हो चुका है, तो क्यों मुझे जो है 9GB तक खाली दिख रहा है। तो 2GB यहाँ पे डिस्क क्लीन अप पे दिखाया कि यहाँ पे खाली है, मतलब क्लीन कर सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों जब मैं उसको फुल क्लीन अप किया, फुल क्लीन अप करते बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो वेस्ट का ऑप्शन है, देखिए आप देख सकते हैं 97GB का फ्री ऑप्शन है, यहाँ पे 47GB फ्री है, मीन्स जो है ओनली 50GB यहाँ पे एक्वायर हुआ है। तो मैं यहाँ पे सिस्टम से कुछ भी डिलीट कर दूंगा तो यहाँ पे दोस्तों वो कम होते होते यहाँ से 47GB से कम होगा। तो आज का ये वीडियो में बनाया, इसको मैं आपको कुछ प्रूफ नहीं दिखा पाया, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, अगर आपके साथ भी मीन्स आपका सिस्टम में जो भी फाइल्स हो 9GB 8GB 7GB ऐसा कम हो रहा है, तो अगर आपके सिस्टम में ये क्विक किल है तो उसका इस्तेमाल कीजिए, ये जो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है, पीसी ट्यूनर का ऑप्शन, अगर ये ऐसे पोजिशन में है तो उसको ऑन करके पीसी ट्यूनर एक बार फंक्शन काम कर लीजिए, क्योंकि इसमें हो सकता है दोस्तों बहुत सारे कोरप्टेड फाइल्स यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों और एक बार वंस अगेन कि मैं आपको प्रूफ नहीं दिखा पाया, बट आप अगर मेरे ऊपर आपको यकीन है तो आप ये जो है आप जरूर कर सकते हैं। इसके जरिए से आपका जो कंप्यूटर का जो ओएस का जो कोरप्टेड फाइल्स है, जो नहीं यूज हुआ फाइल्स है, जो हाइड फाइल्स है, जो आपको ज़रूरत में भी नहीं आ रहा है और जो आपको नहीं दिख रहा है, तो वो फाइल्स को आप जो है यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, वो फाइल्स को आप क्लीन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक था, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा मैं कौन सा बात बोलना चाहता था। मेरा कम्युनिटी के लिए जो मुझे जो मालूम था, जो भी मुझे मालूम रहता है, जो भी मुझे मालूम होता है रिसर्च करने के बाद, सर्च करने के बाद, वो मैं अपने कम्युनिटी के लिए शेयर करता हूँ व्हाट्सएप, फेसबुक एंड यूट्यूब के वीडियो के जरिए से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये जो टॉपिक था, इस वीडियो का टॉपिक, इसमें बहुत सारे आदमी को प्रॉब्लम रहता है, बहुत सारे आदमी ये प्रॉब्लम जो फेस करता रहता है, उनको जो है दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एंड सॉल्व होने के लिए दोस्तों आपको एक पीसी क्विक किल चाहिए, तो क्विक किल का दोस्तों सिंगल का एंड टोटल सिक्योरिटी का जो लिंक है, मैं अमेजन का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप क्विक किल जो है खरीद सकते हैं, आप ये पीसी ट्यूनर का जो फैसिलिटीज है ये आप उठा सकते हैं। आज का वीडियो इतना तक था दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें सबके साथ, दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, एंड मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा चैनल बहुत सारी इस तरीके का वैल्यूएबल वीडियोस है जो आपको काम में आता है। दोस्तों मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप टीचिंग।